शिवपुरी रोड स्थित श्री गोविंदानंद आश्रम में महंत बंसीपुरी जी के सानिध्य में नवरात्रों के निमित्त चल रहे पाठात्मक शास्त्र चंडी महायज्ञ का पूर्णाहुति कन्या पूजन संत महात्माओं के प्रवचन एवं विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। जानकारी देते हुए यज्ञाचार्य डॉक्टर अभिषेक कुश ने बताया कि भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया गया। महायज्ञ के मुख्य यजमानों नीलिमा चक्रबाणी, शैलेश चक्रबाणी, संध्या ऋषियान, सचिन ऋषियान, गीता ऋषियान, संजीव कुश, जगतार वालिया, गौरव गोयल, सुशील गुप्ता, पूजा गोयल, शुभम गुप्ता, कविता गुप्ता, राकेश शर्मा, टोनी, आदित्य बहल व अक्षय नंदा सहित अनेक गणमान्य जनों में संत महात्माओं ने पूर्णाहुति में भाग लेकर पुण्य अर्जित किया। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य जनों को मंदिर प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर गिरधर गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी विद्याधगिरी, मंत जगन्नाथपुरी सहित दूर दराज से आने वाले उच्च कोटि के अनेक संत महात्माओं ने अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं पर प्रवचनों की अमृत वर्षा की। दोपहर के बाद कन्या पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। महिला संकीर्तन मंडल की सदस्य रेणु सुमन, गीता व विद्या सहित अनेक सदस्यों ने अपने भजनों के माध्यम से महामाई का गुणगान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे महामंडलेश्वर गिरधर गिरी, भारत साधु समाज के प्रदेशाध्यक्ष महंत बंसीपुरी ने कहा कि यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, इसे समय समय पर किया जाना अति उत्तम है। यज्ञ द्वारा जहां मनुष्य को शक्ति मिलती है, वहीं पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। महंत सर्वेश्वरी गिरी वे समाज सेवी सुशील गुप्ता ने आए हुए संत महात्माओं, गणमान्य जनों, यजमानों व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महंत भीमपुरी, महंत लक्ष्मी नारायणपुरी, महंत भीमपुरी स्वामी चमनगिरी, अधिवक्ता सुनील सिंगला, पूर्व कांग्रेस शहरी प्रधान राकेश बदवार, विनोद बंसल, वीरबान एडवोकेट, अधिवक्ता अशोक ठुकराल, सुखबीर गरेवाल, गुरुदेव बाजवा, पदम गुप्ता सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। खबरनामा रैना के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।